हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो लोग इस बैच में जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट करें। जी शेखर, गुड इवनिंग। हिस्ट्री स्पेशल, बैच कमेंट करके बताइए। जो लोग जुड़ चुके हैं, और वीडियो सही दिख रही है क्या? कोई समस्या तो नहीं आ रही इसमें? कोई लाइटिंग इफेक्ट, कोई दिक्कत? अगर हो तो एक बार बताओ। शेखर, क्या वीडियो सही दिख रही है? बताइए। बैकग्राउंड चेंज कर लूं? मतलब क्या समस्या आ रही है बैकग्राउंड में? क्या साफ नहीं दिखाई दे रहा? चलो, तो हम लोग एंशियंट पढ़ रहे थे, और एंशियंट में हमारा जो टॉपिक था वो था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में भी हम पढ़ रहे थे ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1750 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड ऋग्वैदिक काल कहलाएगा। क्या ये क्लास सही नहीं दिख रही आप लोगों को? वेट कीजिएगा एक बार, लाइट दूसरी ऑन करता हूँ। अब ठीक है क्या? एक मिनट रुकिएगा जी। अजय जी, अजय चेक कीजिएगा, ब्लैक दिख रहा है, कुछ साफ नहीं दिख रहा। कैमरा कुछ कैसी क्वालिटी है ये देखिए, साफ नहीं दिख रहा है ये। हाँ, ये बंद कर दो अब दरवाजा। अब ठीक है ना सब? देखिए जी, तो ऋग्वैदिक काल हम पढ़ रहे थे, और ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले हमें पढ़ना था इनका प्रशासन। मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना था सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ। उसके बाद हमें पढ़ना था धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ, और इसके बाद हमें पढ़ना था आर्थिक जीवन। इकोनॉमिक लाइफ ये हमें देखने थे। अब ठीक है ना? देखिए जी, तो हम प्रशासन पढ़ चुके हैं, हमें ये चार के चार पॉइंट पढ़ने हैं। ये आपने नोट कर रखे होंगे पहले, ठीक है? तो इसका हम प्रशासन पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ, दूसरा पोर्शन। देखिए जी, सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन, समाज जो है वो
पुरुष प्रधान था। समाज उस जमाने में पुरुष प्रधान था और हर व्यक्ति के कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर चार वर्ण बना रखे थे। कर्म के आधार पे चार वर्ण थे और वो चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कर्म के आधार पे चार वर्ण बना रखे थे। ब्राह्मण जो ज्ञान देगा, ब्राह्मण का काम था ज्ञान देना, क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, युद्ध में भाग लेना, वैश्य का काम था व्यापार करना और शूद्र का काम था सेवा करना। अब देखो मेरी बात सुनो, एक्चुअल में ये लोग जन्म से नहीं है ऐसे। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान दे रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, अगर कोई व्यक्ति युद्ध कर रहा है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, अगर कोई व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य कहलाएगा और अगर कोई सेवा कर रहा है तो वो शूद्र कहलाएगा। यानी कास्टिज्म अगर था तो कर्म के आधार पे, यानी कि ये सब अच्छा था, कोई बुराई इसके अंदर नहीं थी। इसके अलावा ये जो शुरू के, एक मिनट रुकिएगा जी, देखिए जी ये जो तीन वर्ण थे ना शुरू के, इनको माना जाता था शिक्षित। ये जो तीन वर्ण थे शुरू के इनको शिक्षित माना जाता था और जो ये थे इनको अशिक्षित माना जाता था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पढ़े लिखे हैं तो इनकी भाषा हुआ करती थी संस्कृत, इनकी भाषा हुआ करती थी संस्कृत और जो शूद्र थे इनकी भाषा हुआ करती थी पाली और प्राकृत, पाली और प्राकृत। मतलब इसमें कोई समस्या नहीं थी, कास्टिज्म था तो कुछ इस तरीके से कर्म के आधार पे, कंपलसरी नहीं था जो जिसके घर पे पैदा हो गया वही जाति होगी उसकी। देखो समाज पुरुष प्रधान है लेकिन महिलाएं इस समाज में बड़ी खुश थी क्योंकि महिलाओं को सारे अधिकार थे, शिक्षा, यात्रा करने का अधिकार, पहनावा, अपनी मर्जी से पहनावा और विवाह करने का अधिकार भी था महिलाओं को। वो अपनी मर्जी, ये कंपलसरी नहीं था कि विवाह करेगी, महिला विवाह ना भी करे तो भी चलता था। एक नाम जो है ऋग्वेद में मिला है अमाजू, अमाजू शब्द ऐसी महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो पूरी उम्र अविवाहित रहेंगी। अविवाहित महिलाओं के लिए अमाजू शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। देखो पुरुष भी सही है, महिलाएं भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। तो ये था उस जमाने का सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन हमने पढ़ा और ये है सामाजिक जीवन। यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो, कोई भी समस्या है तो बताइएगा फटाफट कमेंट करो।
गया, कीजिए नोट। बाकी समाज में वो लोग जो है मनोरंजन वगैरह करते थे, घुड़सवारी, घोड़ों की दौड़, ये सब पेपर वाली बातें नहीं है, ठीक है? बताइए। हो गया, चलिए जी आगे, कर लिया ना। अब देखिए जी, सोशल लाइफ हमने देख ली, अब हम देखते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन ऋग वैदिक काल में, धार्मिक जीवन रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन ये लोग प्रकृति पूजन में बिलीव करते थे। ये लोग प्रकृति पूजन में बिलीव करते थे। इनके कुछ प्रमुख देवता थे जैसे इंद्र देवता, जैसे अग्नि देवता, वरुण देवता, सोम देवता और पूषण देवता। जो इंद्र देवता थे इनके सबसे प्रिय देवता थे, सबसे प्रिय देवता थे इंद्र देवता, अग्नि देवता आग के देवता, वरुण हवा के देवता, सोम वनों के देवता। सोम जो है वो वनों के देवता थे क्योंकि सोम एक वृक्ष होता था, सोम ट्री, और सोम के पत्तों से निकलता था सोम रस, और ये इन लोगों का प्रिय पेय पदार्थ हुआ करता था। सोम रस पीते थे इसलिए सोम को वनों का देवता कह दिया। पूषण देवता पशुओं के देवता, पूषण देवता थे पशुओं के देवता, ठीक है? तो ये धार्मिक जीवन है, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा, पाखंड, कोई भी अलग तरीके की चीजें, तंत्र मंत्र वगैरह कुछ भी नहीं था। जो उनके सामने है उसी की पूजा ये लोग करते थे प्रकृति पूजन में। इसके अलावा ये लोग यज्ञ करते थे, अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ ये लोग करते थे, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए। ये हो गया जी इन लोगों का रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन, बताइएगा। कोई समस्या हो आप लोगों को यहां तक तो बता दीजिए। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे सर ऐसे टॉपिक से? देखो मैं आप लोगों को है ना, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा ना, इसके क्वेश्चन करवा दूंगा, आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन कैसे। ऋग वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन से थे, ऑप्शन में मिल जाएंगे, इंद्र देवता हो गए, इस तरीके से बनेंगे क्वेश्चन, तो ठीक है, बाकी आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
करो नोट और बताओ फटाफट। उसके बाद हम देखते हैं आर्थिक जीवन, ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था लोगों का। व्हाट्सएप ग्रुप बना लो सर। देखो शेखर, अभी कुछ एडमिशन होने हैं इसके अंदर, उसके बाद मैं बना दूंगा, ठीक है, हो गया। चलिए जी, अब देखिए इन लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन देखिए जी, यहां पर मुख्य कार्य पशुपालन ही था। पशुपालन, ये लोग गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता आदि पशुओं को पालते थे। घोड़ा, घोड़ा तो सबसे प्रिय पशु हो गया। इसके अलावा इन लोगों का अन्य कार्य होते थे। अन्य कार्यों में कृषि, कृषि में ये लोग गेहूं, जौ, चावल इस तरीके की कृषि करते थे। इसके अलावा अन्य कार्यों में ही ये लोग उद्योग चलाते थे। बर्तनों के उद्योग, वस्त्र उद्योग, औजार बनाते थे खेती के लायक, ठीक है, इस तरीके के जो है उद्योग चला रखे थे इन्होंने। इस पूरी इकोनॉमी में कोई भी सिक्का इस्तेमाल में नहीं लाया जाता था, कॉइन्स नहीं होते थे उस समय, सिक्के जो है नहीं होते थे। तब इकोनॉमी कैसे चलती थी? बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है। तो यहां तक बताइएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को है तो, कोई समस्या आप लोगों को है तो। ये था ऋग्वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल।
हो गया। चलिए जी, अब देखिए उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल वेदों के बाद का समय, आर्यों का ही समय है, वैदिक सभ्यता में ही आता है, लेकिन कैसे बुरा हाल हो गया था देखिएगा जी। उत्तर वैदिक काल के अंदर पोस्ट वैदिक एज, एक हजार बीसी से लेके 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल, इसको लोह युग भी कहा जाएगा, आयरन एज, क्योंकि इसमें लोहे की खोज हो गई थी। तो अब एक नई रिवॉल्यूशन आएगी, एक नई क्रांति आएगी, क्योंकि लोहे की खोज हुई है तो जी औजार भी अब लोहे के बनेंगे, और औजार लोहे के बनेंगे तो कृषि में भी क्रांति आएगी। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा इस बात को। सबसे पहले हम देखते हैं प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, देखिएगा। सबसे छोटी इकाई यहां भी कुल हुआ करता था, यानी कि कुटुंब, परिवार, कुल से मिलकर के बने थे ग्राम, ग्राम से मिलकर के बने विस, विस से मिलकर के बना जन, और यहां जन भी आपस में मर्ज हो गए और बन गए जनपद। उस समय सबसे बड़ी इकाई बन चुकी थी जनपद, यानी कि देश ने विस्तार कर लिया था। पहले जो जन हुआ करते थे वो आपस में मिल गए और बन गए जनपद। ठीक है, ऐसे विस्तार हुआ। अब जो राजा होगा वो जनपद पे होगा, राजा जो है वो अब जनपद के ऊपर होगा, और घर तक पहुंच राजा की ही होगी, बीच में किसी का कोई रोल नहीं है, राजा ही सर्वोपरि है। यानी कि राजा वीआईपी हो गया जी, वीआईपी लिख दिया मैंने, राजा वीआईपी हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि ना तो अब राजा का चुनाव होगा, राजा का पद वंशानुगत हो गया, राजा का पद वंशानुगत हो गया। ठीक है, इसके अलावा सभा और समिति, सभा और समिति दोनों समाप्त कर दी गई, क्योंकि सारी पावर अब राजा के पास ही है, अब राजा ही अपनी मर्जी से चुना जाएगा, जो सब कुछ करेगा, न्याय भी अपनी मर्जी से देगा, सब कुछ। राजा युद्ध में नहीं जाएगा, राजा को तो बड़े अधिकार मिल गए, और राजा अब भूमि स्वामी होगा, भूमि ही नहीं होगा, राजा भूमि स्वामी होगा। ठीक है, तो ये सब हुआ उत्तर वैदिक काल के प्रशासनिक इकाई में, ये चेंज हुआ। अब मतलब सबसे बड़ा जो इकाई होती थी वो जन नहीं, वो अब जनपद है। एक जनपद के नीचे बहुत सारे जन होंगे, फिर विस होंगे, और फिर ग्राम होंगे, और फिर कुल होंगे। तो ये सब चला यहां पर, कुल सबसे छोटी इकाई, सबसे बड़ी इकाई जनपद,
जनपद यानी एक राष्ट्र, ठीक है, अनेक जनपदों में भारत बटा हुआ था। यहां तक नोट कीजिए, ये हमने पढ़ा प्रशासन को। बताइएगा कोई दिक्कत आप लोगों को अगर है तो इससे रिलेटेड। एक जैसे ब्लॉक होता है ना तहसील टाइप में, तो विस उसको बोल देंगे हम। बहुत सारे गांव मिला करके विस बनेंगे और फिर जन डिस्ट्रिक्ट जनपद बड़ा डिस्ट्रिक्ट मंडल जैसे हो गया। तो कुछ इस तरीके से बटा हुआ था सब कुछ उस जमाने में। बताइए कोई दिक्कत है तो, कोई समस्या है तो बताइए फटाफट। चलिए जी आगे। अब देखिए उत्तर वैदिक काल का मतलब समय देखो कैसे बदल गया, राजनीति बदल गई। उत्तर वैदिक काल में अब सामाजिक जीवन सोशल लाइफ, देखिए जी समाज अभी भी पुरुष प्रधान था, यहां पर, और जो जाति प्रथा थी अब वो जन्म के आधार पर हो गई। जन्म के आधार पे कर्म हो गए, मतलब अब जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ ना वो ब्राह्मण कहलाएगा, काम कुछ भी करे। जो क्षत्रिय के घर पैदा हुआ वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो वैश्य के घर पैदा हुआ वो वैश्य ही कहलाएगा, और जो शूद्र के घर पैदा हुआ वो शूद्र कहलाएगा, काम चाहे कुछ भी करे, ठीक है। तो जन्म के आधार पे चार वर्ण बन गए, सॉरी कर्म कह रहा हूं मैं, वर्ण बन गए। जो जिसके घर पे पैदा हुआ वही उसकी कास्ट होगी, यानी जाति प्रथा कास्टिज्म शुरू हो गया। एक बुराई तो ये आ गई। चलिए यहां पूरे जीवन चक्र को चार आश्रम में बांट दिया, पूरे जीवन चक्र को, हर व्यक्ति के जीवन को, हर व्यक्ति की लाइफ को चार आश्रम में बांट दिया। उसको चार लाइफ फॉलो करने पड़ेंगे। हर व्यक्ति को अपने जीवन में चार आश्रम फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में चार आश्रम में बांटा। सबसे पहला आश्रम जो होगा वो 0 से 25 साल की एज होगी, उसको कहेंगे ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम पहला जो होगा वो ब्रह्मचार्य आश्रम होगा। उसके बाद 25 से 50 साल तक का जो टाइम है ना वो कहलाएगा गृहस्थ आश्रम और जो 50 से 75 साल का टाइम होगा वो कहलाएगा वानप्रस्थ, और जो 75 से 100 साल तक का टाइम होगा वो कहलाएगा सन्यास।
हर व्यक्ति के जीवन को चार भागों में बांट दिया है जी। चार आश्रम फॉलो करेंगे, शुरू में आप ब्रह्मचारी रहेंगे, फिर आप गृहस्थी में आएंगे, शादी वगैरह होगी, फिर आप जंगलों में चले जाएंगे, बच्चों के लिए काम करेंगे और फिर संन्यास ले लेंगे। हर व्यक्ति के जीवन को चार भागों में बांट दिया। पेपर में इनको क्रमानुसार पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में मनुष्य के जीवन को चार आश्रम में बांटा गया था, वो कौन कौन से थे? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी, इन चार आश्रम में बांट दिया गया था उत्तर वैदिक काल के अंदर। सामाजिक जीवन हम पढ़ रहे हैं, ये हमने पुरुषों के हिसाब से देखा, अब हम देखेंगे महिलाओं की स्थिति क्या थी। एक बार यहां तक नोट कीजिए फटाफट, फिर देखते हैं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। बताइएगा कोई समस्या हो तो फटाफट बताएं। आ रहा है सबको समझ में? हाँ हाँ लिखिए। आप लोग मुझे ये बताओ, नोट्स बनाते हो या नहीं, या पहले ही बना रखे हैं आप लोगों ने? कौन कौन आप में से ऐसा है जो नोट्स बनाता है साथ में? वेरी गुड। चलिए जी, अब देखिए आगे महिलाओं का जीवन कैसा था। इसमें जाति प्रथा शुरू हो गई, चार आश्रम बना दिए गए। देखिए जी, यहां पर उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के अधिकार कम हो गए। महिलाओं के अधिकार कम हो गए जी। कैसे कम हो गए देखिएगा। पहले महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था ना, यात्रा का अधिकार था ना, अपनी मर्जी से विवाह का अधिकार भी था। ये सारे अधिकार लगभग बंद हो गए। विवाह 8 प्रकार के शुरू हो गए जी। 8 प्रकार के विवाह शुरू हो गए उत्तर वैदिक काल में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, ये पेपर में पूछने वाली चीज है। 8 प्रकार के विवाह शुरू हो गए थे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, देखिए जी, उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह, जिनमें से 4 जो है मान्य थे और 4 अमान्य विवाह। 4 मान्य थे और 4 अमान्य विवाह थे। सबसे पहले ब्रह्म विवाह हम शुरू के देख रहे हैं। 4 दैव विवाह, आर्स विवाह और प्रजापत्य विवाह। ये 4 प्रकार के विवाह वो हैं जो मान्य थे उस समय। ब्रह्म विवाह मतलब योग्य वर खोज कर शादी करना। योग्य वर खोज कर शादी करना। दैव विवाह मतलब यज्ञ के बदले पुरोहित से शादी करना।
अगर कोई घर पे यज्ञ करवा के गया है तो उस पुरोहित से शादी करवा दी जाए। आर्स विवाह यानी गाय या बैल के बदले शादी करना। गाय या बैल के बदले शादी करना। प्रजापत्य विवाह यानी लड़की के घर जाकर हाथ मांग कर शादी करना। लड़की के घर जाकर हाथ मांग कर शादी करना, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के विवाह वो थे जो कि उस समय मान्य थे। ये आज भी होते हैं, इनमें से 2 ये वर्तमान में भी होता है और ये प्रजापत्य विवाह भी वर्तमान में होता है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया ब्रह्म विवाह है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे दैव्य विवाह, यज्ञ के बदले में उस पुरोहित के साथ शादी कर लेना जो यज्ञ करने आया है घर पे। समझ में आ गई बात यहां तक? बताइए कोई समस्या है तो। बताइए जी, यहां तक कोई दिक्कत है तो। दैव विवाह, दैव है ये, नीचे है प्रजापत्य विवाह। कौन सा पूछा आपने सर? वेद विवाह? वेद विवाह नहीं है ये, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्स विवाह और प्रजापत्य विवाह। ये 4 प्रकार के विवाह जो उस समय होते थे अलाउड थे, हो गया। अब देखिए 4 वो अमान्य विवाह कौन से थे ये हम देखते हैं। दैव विवाह, दैव विवाह का मतलब यज्ञ के बदले शादी कर देना। कोई पुरोहित घर पे यज्ञ करने आया है, उस पिता ने अपनी बेटी की शादी उस पुरोहित के साथ कर दी, ऐसा विवाह होता था यज्ञ के बदले में। हो गया, हाँ। अब देखिए जी आगे, अब देखिए 4 वो विवाह जो मान्य नहीं थे। गांधर्व विवाह, पेशाच विवाह, आसुर विवाह और इसके अलावा राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, देखो जी, गांधर्व विवाह लड़का लड़की का भाग कर शादी करना, ये 4 मान्य नहीं थे। ये जो अब मैं करवा रहा हूं ये है अमान्य, उस समय अलाउ नहीं थे ये सब। पेशाच विवाह, धन के बदले बेटी को बेचना। असुर विवाह, रेप करके किसी लड़की का उसके साथ शादी करना। और राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीन कर शादी करना। बताइएगा जी,
गांधर्व विवाह लड़का लड़की भाग गई पिशाच धन के बदले में, आसुर रेप करके, और राक्षस विवाह बलपूर्वक छीन कर शादी करना। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइएगा जी। सबसे अच्छा नंबर वन, बिल्कुल गौरव, मैं मानता हूं ब्रह्म विवाह से अच्छा कुछ भी नहीं है। फालतू के सपने सजोने का कोई फायदा है नहीं। अगर आप काबिल हैं और आप शादी के योग्य हो चुके हैं तो ब्रह्म विवाह से ऊपर कुछ भी नहीं होता। हर लड़का और लड़की के लिए ब्रह्म विवाह सबसे प्रमुख है, सबसे सही है। और अगर आप देखें तो सक्सेस भी यही है। हालांकि मेरी हुई नहीं है, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि ब्रह्म विवाह से ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कि अरेंज मैरिज से ऊपर कुछ भी नहीं है। हो गया। तो ये हमने देखा उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। देखो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना पढ़ पाएंगे, आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल का रिलीजियस लाइफ और आर्थिक जीवन, धार्मिक और आर्थिक। यहां तक की क्लास में किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। कोई भी समस्या आप लोगों को अगर है तो कीजिए कमेंट। क्या कोई दिक्कत है, पूछना चाहेंगे कुछ? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफी है। लव मैरिज अच्छी नहीं है क्या सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है,